हाय एवरीवन, टुडे आई स्टार्ट पॉलीनोमियल पार्ट 8। इस सेशन में भी हम डिवाइड से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो, डिवाइड द पॉलीनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 3x² - x³ - 3x + 5 बाय द पॉलीनोमियल जी एक्स। एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड करना है, x - 1 - x² एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। और वेरीफाई भी हमें क्या करना है। तो देखो, एक चीज़ हो रहा है इसमें, थोड़ा सा डिफरेंट है। एफ एक्स 3x² - x³ - 3x + 5। देखो, पहले छोटी पावर है, स्मॉल है, फिर बड़ी है, तो हम इसको सही लिख देते हैं, -x³ + 3x² - 3x + 5। ठीक है, ऐसे जी एक्स भी देखो, आप जी एक्स भी ऐसे लिख रहे, x - 1 - x² तो हमने इसको -x² + x - 1। इसको अब इससे क्या करेंगे, डिवाइड करके देखते हैं। देखो कैसे होगा डिवाइड, -x³ + 3x² - 3x + 5 -x² + x - 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो हमें एक और चाहिए। क्या चाहिए, एक और चाहिए। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, -x³। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, +x² इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -x। ठीक है, साइन का ज़रूर ध्यान रखना है इसमें, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगी, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगी, ये माइनस प्लस, ये ऊपर का माइनस, ये प्लस कैंसिल हो गया। 3x² में से x² गया तो 2x² प्लस माइनस माइनस। ये देखो, x का x, 3 में से 1 गया तो कितना बच गया, -2x + 5। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। अब देखो यहाँ पे x², यहाँ पे भी x², अब हमको क्या चाहिए, 2 चाहिए, ये -2 यहाँ का आ गया, है ना, क्यों, क्योंकि इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x². देखो 2 1 जा 2, x² माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, जिससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए -2 लिखा हमने। इसको इसे किया तो -2x और माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2। ठीक है, अब देखो माइनस है तो प्लस बन गया और प्लस है तो माइनस बन गया, ये माइनस प्लस कट गया, ये माइनस प्लस कट गया, 5 में से 2 गया, कितना बच गया, 3 बन गया, ये इसका रिमाइंडर बन गया, ये रिमाइंडर हो जाता है, ये हो जाता है कोशेंट। ठीक है, ये डिविजर कहलाता है और ये डिविडेंड कहलाता है ना। तो देखो, हमने छोटी क्लास में पढ़ा है, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई बाय कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इस थ्योरम इसको हम अप्लाई करेंगे, है ना, अप्लाई डिवीजन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -x² + x - 1। कोशेंट कितना है, x - 2 + रिमाइंडर 3, क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 3। देखो, मैंने एक बार पिछले एक मल्टीप्लाई में भी आपको बताया था कि किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इस एक्स को इन होल टर्म से करेंगे, या इसको इन दोनों से कर दो, बात एक ही है। ठीक है, चलो इससे करते हैं, तो इसको इससे किया तो क्या, -x³ बन गया, स्क्वायर एक, इसको इससे किया तो -2x - -2x² बन गया, अब इसको इससे करेंगे तो +x² बन गया, इसको इससे किया तो x² - 2x। ठीक है, इसको इससे किया तो -x और माइनस माइनस +1 2 जा 2, ये देखो +3 +3। ठीक है, अब देखो x³ का x³ हो गया, माइनस का x² 2 और 1 3 3x² -3x + 5, ये देखो ऊपर वाली
सेम आ गई, माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव। ये वेरीफाई का तरीका, इस तरह से हम वेरीफाई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।